हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज चौहान एंड यू आर वाचिंग मैथ्स फॉरएवर। दिस इज पार्ट 16 ऑफ ट्रिक्स एक्स्ट्रा 20। इस क्लास में हम सीखेंगे यूनिट फ्रैक्शंस को ऐड करना और यूनिट फ्रैक्शंस को सबट्रैक्ट करना शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूनिट फ्रैक्शंस के एडिशन की। आई होप कि यूनिट फ्रैक्शन का मीनिंग सभी को पता होगा। यूनिट फ्रैक्शंस मतलब वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर होता है 1। चलिए बात करते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज करिए आपने 1/6 को ऐड करना है 1/8 के साथ। देखिए सिंपली आपने देखना है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को, ठीक है। बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब 6 में 8 ऐड करें या 8 में 6 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में, ठीक है। आप इसको लिख दोगे न्यूमरेटर में। दोनों डिनोमिनेटर्स को ऐड करके आपने कहां लिख देना है, न्यूमरेटर में लिख देना है, सिंपल, ठीक है। 14 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सोचना है कि जो आपने सम करके लिखा है क्या ये इनमें से किसी नंबर से कट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। कट हो सकता है तो कट कर लेना है। 14 को 6 से कट करें या 8 से कट करें, किसी एक के साथ पहले कट करना होगा, ठीक है। आप इसको 2 से कट करेंगे 7 जा और इसको 2 से कट करेंगे 4 जा, ठीक है। अब नहीं कटेगा किसी से भी, जब ना कटे, ठीक है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है डिनोमिनेटर में। 6 4 जा 24, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/24। सपोज करिए आपने 1/8 को 1/9 के साथ में ऐड करना है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 9+8 कितना होता है 17, ठीक है। अब 17 ना 8 से कटेगा ना 9 से कटेगा, ठीक है। तो अब नहीं कटना है तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 8 9 = 72, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सबट्रैक्शन की, ठीक है। सबट्रैक्शन में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। सपोज करिए आपने 1/12 में से माइनस करना है 1/18। देखिए आपने करना क्या है, बाद वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को माइनस करना होता है हमेशा, बाद वाले में से पहले वाले को। 18 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सोचना है कि ये 6 जो है किसी भी डिनोमिनेटर से कट तो नहीं जाएगा, कट सकते हैं तो आपने काट लेना, ठीक है। कट जाएगा 6 1 = 6 and 6 3 = 18, ठीक है। इससे भी कट कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब कट जाए, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना 12 3 = 36, तो 1/36 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपने 1/5 - 1/8 ये ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है इस केस में, आपने आपने बाद वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में से पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सिंपल माइनस कर देना, तो 8 - 5 = 3। अब ये 3 नहीं कटेगा इनके किसी भी डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। जब नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 * 8 कितना होता है 40, तो 3/40 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 1/10 + 1/15 + 1/9 + 1/13 + 1/12 - 1/15 + 1/18 + 1/6 - 1/7। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी